अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है स्टैम्प टूल के बारे में। क्लोन स्टैम्प टूल ये किस लिए यूज़ होता है, किस तरह यूटिलाइजेशन होती है इसकी, उस पर जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के राइट बॉटम पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और डाउन पे बेल आइकॉन का बटन आ रहा होगा, उधर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। तो मैं लाता रहूँगा ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए। तमाम सॉफ्टवेयर डिटेल में इलस्ट्रेटर की क्लासेस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, और अब फोटोशॉप की क्लासेस डिटेल में दे रहा हूँ। ईच एंड एवरी टूल को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ऊपर वाले टूल्स मैंने समझा दिए हैं आपको, तो आज मैं समझाने जा रहा हूँ आपको क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ये एक एग्जाम्पल ले आता हूँ। ये एक इमेज मैं ले आया हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यार के जूम मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि फोटोशॉप में किसी भी इमेज पे काम स्टार्ट करने से पहले उसका एक आपने कॉपी ले लेनी है। कंट्रोल जे मैं करूंगा, ये ऑप्शन आ रही है कंट्रोल जे, और ये कॉपी ले ली ताकि हमारे पास बैकअप मौजूद हो। मैं चाहता हूँ कि यार इसके पाँव इधर से मैं ख़त्म कर दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक सिलेक्शन लेयर बना लूँगा ताकि जो है एग्जैक्टली ये इसी तरह क्रॉप करे। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है कि मैं जो है ना किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं स्टैम्प टूल पे जाऊँगा और ऑल्ट प्रेस करके ALT प्रेस करके कीबोर्ड से जस्ट इस पर सिलेक्ट करूँगा, और ये इधर से इसको इस तरह रिमूव कर दूँगा। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कंट्रोल डी मैं करूंगा तो ये आप देख सकते हैं लड़का हाफ हो गया और एग्जैक्टली उसी तरह कटिंग हुई। सिलेक्शन ना करता और स्टैम्प टूल अप्लाई कर देता तो ये बाहर निकल आता, तो हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते इसके थ्रू, स्टैम्प टूल के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं कितना मजे से इसने इसको क्रॉप कर दिया है। तो यही चीज अगर आप ओपेसिटी डाउन करते हैं उस तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और फ्लो डाउन करके हार्डनेस इसकी कम करके राइट क्लिक करके हार्डनेस की ऑप्शन आ रही होती है। ब्रशेस डिफरेंट होते हैं आपकी, तो किसी तरह भी ये स्टैम्प टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इमेज मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ वो है ये वाली इमेज। मैं ड्रैग करके इस जगह पे ला के रख रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ कि यार इसमें मैं स्टैम्प टूल के थ्रू वर्कआउट करूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि ऑल्ट प्रेस करके आप ये कर सकते हैं और हार्डनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आप क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन और भी आ रही होती हैं। वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, अपने जिस विंडो पर जाना है ये ऊपर विंडो का ऑप्शन आ रहा होगा, और अपने क्लोन सोर्स पर चले जाना है। क्लोन सोर्स पे जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपने जो है ना सोर्स क्या लेना है, और ये वो सब कुछ आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। सबसे पहले मैं आता हूँ इस चीज़ पे कि आपने इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है। ये आपके सामने आ रहा होता है कि इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये इस तरफ इसने फेस किया हुआ है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करने के लिए हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। इसका मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है साइज़ बड़ा करने की। इधर से भी आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज़ राइट ब्रैकेट के थ्रू भी साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और अगर हम लोग ऑल्ट प्रेस नहीं करेंगे तो जस्ट हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि आपने ऑल्ट प्रेस करके एरिया सेलेक्ट नहीं किया जिसके थ्रू आपने स्टैम्प करना है। तो मैंने जस्ट इस पर क्लिक कर लिया और स्टैम्प टूल पे इधर से क्लिक कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज़ राइट ब्रैकेट से, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जस्ट मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और ये सिलेक्ट हो गया, और इसको ये देखें इसने दूसरे एंगल पे इसको लाना शुरू कर दिया। इसमें मैं दो तीन बार क्लिक करूँगा क्योंकि हमने हार्डनेस और ओपेसिटी इसकी कम की हुई है, फ्लो भी कम किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें इसको क्लिक करके ये देखें आप, ये सिर्फ जो एडवांटेज हमारे सामने आया है वो सिर्फ इसकी वजह से आया है। रिफ्लेक्शन की एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं फ्लिप। वो कैसे करेंगे ये देखें आप, कि
मैंने सिलेक्शन ऑल्ट प्रेस करके सिर्फ इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये आप देखें, इसने वर्टिकली इसको सिलेक्ट कर दिया है और ये इस जगह पे वर्टिकली इसने फ्लिप कर दिया है। तो ये आपकी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह किसी चीज़ को यूटिलाइज करना है। कंट्रोल ऑल्ट जी मैं करूँगा, ये चीज़ आ गया। आपके पास और भी ऑप्शंस काफ़ी आ रही होती हैं। ये जो ऊपर ऑप्शंस आ रही होती हैं ये किस लिए यूटिलाइज होती हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। कि मैं दोबारा अपनी पहली एग्जांपल पे आ जाता हूँ, फर्स्ट इमेज पे। तो ये जो है, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ये किस लिए यूटिलाइज होता है? ये होता है जी कि आपने रखना है कि इसको हमने फर्स्ट सैंपल ले लेते हैं। एक से ज़्यादा सैंपल्स भी आप ले सकते हैं। ये फर्स्ट सैंपल है, तो ये फर्स्ट स्टेम टूल आपके सामने आ रहा है। तो आपने क्या करना है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने अलाइंड इसमें नहीं रखना। अगर आप अलाइंड रखेंगे तो ये कभी भी जिस तरह मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, जस्ट ऑल्ट प्रेस करके इसको कर लेना है और इसकी लाइन ख़त्म कर देना है और इसको इस जगह पे कर लेना है। नेक्स्ट मैं इस पर आऊँगा, फिर मैं ऑल्ट प्रेस करके फर्स्ट करें मैं इसको लेना चाह रहा हूँ और मैंने इसको इस जगह पे रख दिया। थर्ड पे मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं इसका हाथ कर लूँ ऑल्ट प्रेस करके, और इस जगह पे हाथ मैंने बना लिया। तो फिर मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार मैं फर्स्ट सैंपल ही हमारे सामने आ जाए, तो ये देखें फर्स्ट सैंपल आ गया, ये सेकंड सैंपल आ गया, ये थर्ड सैंपल आ गया। तो मीन्स के आप कॉपी कर सकते हैं सैंपल्स को, जस्ट अलाइंड पे आपने नहीं रखा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिफरेंट सैंपल्स ले सकते हैं एक साथ। पांच ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं और पांच ले सकते हैं आप सैंपल्स। तो नेक्स्ट आपके पास ये फ्लिपिंग की भी ऑप्शन आ रही है। फ्लिपिंग को कैसे यूटिलाइज करते हैं, प्रेस करें, ये मैंने इसको ऑल्ट प्रेस करके ये ले लिया और इसको मैं फ़्लिप करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, और इसको मैं फ़्लिप करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करें मैं इसको रख लेता हूँ -5 रख लेता हूँ। तो ये देखें, अपने एंगल के मुताबिक इसने -5 इसको फ़्लिप कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ फ़्लिप, इसको मैं कर देता हूँ यार तू कर -10 फ़्लिप कर दे, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने -10 फ़्लिप कर दिया। अपने एंगल इसका बिल्कुल सीधा था, लिटल बिट टर्न हुआ और ये बिल्कुल टर्न हो गया। तो ये आपकी यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करता है चीज़ों को कैसे आपने यूटिलाइज करना है। तो ये एग्जांपल, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके अलावा ये आप ऑफसेट्स का साइज़ भी रख सकते हैं कि आपको साइज़ किस हिसाब से रखना है, वो भी आप रख सकते हैं। और अगर आप ऑल लेयर्स पे काम नहीं कर रहे, मैं आपको करंट लेयर पे भी आप काम कर सकते हैं, आप ऑल लेयर्स पे भी काम कर सकते हैं। ऑल लेयर्स पे काम कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके ये कॉपी ले रहा हूँ, तो ये एग्जैक्टली आ रही है। बेशक वो इस लेयर में मौजूद नहीं है, लेकिन जब मैं ऑल लेयर्स करूँगा तो इसका मतलब है कि नीचे वाली लेयर्स को भी लो और सबको लो। नेक्स्ट ऑटो, जब मैं क्लिप ये ख़त्म करूँगा तो ऑटो हाइड करूँगा, तो ये जो है जिधर से आप ऑल्ट प्रेस करके चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने नज़र नहीं आएगा। तो ज़्यादातर इसको क्लिप पे ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो एक और इमेज मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव इमेज है ये, कि जो है ना कि आपने इस इमेज को कैसे यूटिलाइज करना है। इस इमेज को देखते ही आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यार मेरी ये इस इमेज में जो गर्ल की आंख है वो इस तरफ फ्लैश आ रहा है। जब भी आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, आप भी कुछ भी हो, जब आप डायरेक्ट फ्लैश यूज़ करते हैं तो ये इस्पेक्ट आता है। या आप मोबाइल के थ्रू पिक्चर लेते हैं और अगर आपका फ्लैश करीब है और आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं तो ये इफ़ेक्ट आएगा। तो इसको कैसे आपने रिमूव करना है, कैसे आपने दूसरी आँख की तरह करना है, तो उसको सेम टू सेम आपने इस चीज़ के थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्टैम्प करते करते थक जाएंगे, आपका नहीं होगा काम। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, कंट्रोल जे करके, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यही चीज़ आपको मैं दिखा रहा था कि आपने अगर आप स्टैम्प टूल यूज़ करके एक्यूरेटली आप करना चाहते हैं तो आँख पे जस्ट आप ऑल्ट प्रेस करके करेंगे और इसको एक्यूरेटली कॉपी कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में हमेशा रखनी है कि आप
जब भी काम कर रहे हैं तो ये आपने माइंड में रखना है कि आप फेस पे काम कर रहे हैं तो आपने 55, 45, 40 इस लेवल पे रखना है, फ्लो भी इसका कम रखना है, इसकी हार्डनेस भी कम रखनी है। अदरवाइज जब भी आप काम करेंगे तो वो जो है परफेक्शन नहीं आएगी उस चीज़ में। तो ये आप देख सकते हैं इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको रिमूव कर दिया है, अदरवाइज आप लगे रहें लेकिन आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट से इफ़ेक्ट्स थे जो कि स्टैम्प टूल में थे। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल पे भी मैं जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास और भी ऑप्शंस क्या कुछ हैं इसमें। आपके पास ओपेसिटी की भी ऑप्शन है, इस जगह पे भी आ रही होती है, ये आप इस जगह से भी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट तरह की ऑप्शन आ रही होती हैं, आपने डार्कन में चाहिए या लाइटन में चाहिए, वो सब ये देखें। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके इधर कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जब मैंने इसको इस तरह किया तो ये डार्कन, लिटिल बिट डार्कन इफेक्ट आ रहा है। एक और इमेज मैं लेने जा रहा हूँ, वो है ये वाली इमेज, और मैं चाह रहा हूँ कि यार सेम टू सेम इस इंसान को कॉपी करके मैं इस जगह पे लेके आऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ओवरऑल इसकी सिलेक्शन कर लूँगा जिधर मुझे ये बंदा चाहिए। उसका ये फ़ायदा होगा कि कंट्रोल डी करता हूँ मैं, ओवरऑल सिलेक्शन इधर से कर लेता हूँ कि इससे नीचे ये इसकी सिलेक्शन, या मैं इसको जो है स्टैम्प टूल को इससे ज़्यादा नीचे ना लेके जा सकूँ। तो उसके लिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा सिलेक्शन करें। जस्ट एक न्यू लेयर बना लूँगा इस जगह पे सिलेक्ट करके, और इस बंदे पे इसके सर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये भी ख़त्म कर देना है, ये भी ख़त्म कर देना है। मैं जस्ट इस बंदे के सर पे सिलेक्ट करके ये बंदे को एक्यूरेटली इस जगह पे रख कर मैं इसको इस जगह पर बना लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बना लिया। अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ भी आ रही है तो आपके लिए फ़ायदा है ऑल लेयर्स पे काम करने का, कि आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे, आपने जस्ट रेज़र को पकड़ लिया, इरेजर की कमांड बिल्कुल स्टैम्प टूल के डाउन पे आ रही होगी और इससे वो इससे रिमूव कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल इमेज हमारे पास क्या है, और हम लोगों के पास दूसरा जो हम लोगों ने एक और चीज़ इसको कॉपी की वो हमारे पास इमेज क्या आ रही है। तो ये थी सिंपल सी टेक्निक्स। एक और इमेज मैं आपके ज़्यादा समझाने के लिए आपके लिए एक और इमेज ले लेता हूँ। यार ये जो दीवार है ये पूरी आए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे इस पे वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका छाता इसका आधा कट जाएगा तो उसके लिए मुझे जाना है इसको। फिर मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, कंट्रोल जे कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कॉपी ले लेता हूँ और इसका छाता इतना आधा काट देता हूँ। आधा काटने के लिए मैं क्या करूंगा, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम दीवार है, ऑल्ट प्रेस करके इसकी तो ये आप मजे से देख सकते हैं कि इसने इसको रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट जो इमेज मैं आप लोगों के सामने लेने जा रहा हूँ वो है एक पिंपल्स वाले फेस की इमेज। फेस पे अगर आपने स्टैम्प टूल यूज करना है, वैसे तो आपको मैंने और भी टूल्स का समझाया है, हीलिंग टूल ये वो, लेकिन स्टैम्प टूल को कैसे यूज करना है आपने, मैं इसका स्मॉल साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसके लिए एक टेक्निक आपको दूंगा कि इसको जो है ना आपने 45, 46 इसी पे रखना है, फ्लो इसकी 60 पे रखनी है और इसकी हार्डनेस भी कम रखनी है ताकि जो है ना फेस पे इफेक्ट इतना ना पड़े। आप देख सकते हैं कि इसमें कंट्रोल जे पहले मैं कर लेता हूँ ताकि इसकी कॉपी बन जाए हमारे पास। ऑल्ट प्रेस करके और साथ साथ मैं इसको मूवमेंट करे जा रहा हूँ जिसकी वजह से ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है। जिधर ये प्लस घूम रहा होगा उसी हिसाब से वो कॉपी कर रहा होगा।
इधर से थोड़ा डार्क शेड है तो इस वजह से इसको डार्क वाले को पकड़ लिया हमने और इसको मूवमेंट कर लिया। ऑल्ट प्रेस करके जस्ट लेफ्ट क्लिक किया और उधर का वो कॉपी लेना शुरू हो जाएगा। जब ऑल्ट प्रेस करके हमने वो जगह ले लेनी है और इसको बस मूवमेंट कर देना है। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इसने इतने ज्यादा पिंपल्स वाले फेस को विद स्टैम्प टूल कितना जबरदस्त तरीके से इसने मूव कर दिया। सिर्फ थोड़ा सा ये रह गया है, उसको भी आप इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो मीन्स कि आपको किसी भी तरह इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टैम्प टूल को। बहुत मजे का टूल है और फेस के लिए आपने हमेशा ये वाली सेटिंग्स रखनी है या देख लें सेटिंग्स। इस सेटिंग्स पे यूज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, अदरवाइज अगर आपने आम इमेजेस पे यूज करना है तो इसकी ओपेसिटी को छेड़छाड़ के या किसी भी तरह करके आप चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये स्टैम्प टूल की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे अपने कमेंट्स में हमें अपने रिमार्क्स देना ना भूलिएगा, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। ये बात यूनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।